हेलो व्यूअर्स, लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं और हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं। जब से लॉकडाउन 2 अनाउंस हुआ है, घबराहट से रिलेटेड कंप्लेंट्स जैसे कि कान में घंटी बजना, बार बार शांशा की आवाज़ें आना, ऐसे पेशेंट्स की इंक्वायरीज बढ़ गई है। घर में कैद रहते रहते घुटन वाली फीलिंग आने लगी है। घुटन की कंप्लेंट जो पहले स्टेबल चल रही थी, जो पहले कंट्रोल थी, वो भी अब देखने में आया है कि वो बढ़ गई है। कुछ पेशेंट्स में चक्कर की कंप्लेंट यानी कि वर्टाइगो, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको एंजाइटी रिलेटेड यानी कि साइकोजेनिक वर्टाइगो है। समराइज करें तो एंजाइटी यानी उत्तेजना रिलेटेड केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसका समाधान, इसका ट्रीटमेंट क्या है? आज मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं करूँगा, बट उस ट्रीटमेंट की बात करूँगा जो सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे कारगर है, वो है ध्यान यानी कि मेडिटेशन एंड प्राणायाम। आज हमारे बीच हैं विशाल वर्मा जी, जो एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर हैं। ये हमें सिखाएंगे मेडिटेशन और प्राणायाम की करेक्ट टेक्निक। इन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम टिनिटस, वर्टाइगो, डिप्रेशन, नींद ना आना जैसी बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं विशाल वर्मा जी के पास। यदि आप अपने अंदर निराशा महसूस कर रहे हैं, आप अपने भीतर उदासीनता को महसूस कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपके मन में नकारात्मक नेगेटिविटीज रहती है, और यदि आप इन सबसे मुक्त होना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ एक प्राणायाम और अभ्यास की क्रियाएं करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे, आपका मन शांत होगा और आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। तो सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, आप पद्मासन में या फिर सिंपल टांगों को फोल्ड करके बैठिए, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम, हाथों की पहली उंगलियां आंखों पर रखनी है, बाकी उंगलियां चेहरे के ऊपर, अंगूठे कानों में, कोहनिया कंधों की सीध में, कमर गर्दन सीधी। लॉन्ग इनहेलेशन करना है, उसके बाद आपको बहुत ही स्वीटली धीरे धीरे मधुर गुंजन करते हुए सांस को खाली करना है। फिर सांस धीरे धीरे लंबा इनहेलेशन करना है, उसके बाद बहुत ही मधुरता से गुंजन करते हुए धीरे धीरे सांस खाली करना है। यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास होगा। इसके बाद आप अगला स्टेप है, अगला चरण है हमारा ओम ध्वनि का मधुरता से उच्चारण, वाचक जाप 51 बार आप कीजिए। फिर आप शांत बैठिए कुछ पल के लिए, उसके बाद आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए कुछ पल के लिए, अपने आते जाते सांसों को देखना है आपको। उसके बाद आप 3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे और अपने अंदर एक गहन शांति को महसूस करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम की विधि में करके दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार आपको बहुत ही स्वीटली एक्सहेलेशन करते हुए मधुर गुंजन करना है। अब दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखें ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, आपका जो फोरहेड है, माथा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, परंतु नेचुरल अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा अकड़ाई नहीं। अब आपको 51 बार वाचक ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे करके दिखाता हूँ। ओम।
इसी प्रकार आपको 51 बार मधुरता से ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। पूरी कंसंट्रेशन आपकी ओम ध्वनि के उच्चारण पे होगी। उसके पश्चात शांत बैठें, अपने ब्रीथिंग पे आते जाते सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाइए। सचेत रहते हुए पहरेदार की भांति एक एक सांस को दृष्टा भाव से देखिए। एक एक सांस के दर्शन करने हैं आपको। कुछ पल के अभ्यास के बाद आपका मन शांत हो जाता है। अपने भीतर एक गहन शांति को महसूस कीजिए अगले 5 मिनट के लिए। गहन शांति आपके शरीर को, आपके मन को पूर्ण रूप से आनंदित कर रही है, ऐसा अनुभव करें। जब आपके शरीर में ठहराव आता है, जब आपके श्वासों में ठहराव आता है, तभी आपके मन में भी ठहराव आता है। आपका मन पूर्ण रूप से निर्मल बन जाता है। आपके भीतर सत्य का प्रकाश उदय होता है। गहन शांति छा जाती है आपके अंदर। आपको अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहता। शांत रहना है, परंतु जागरूक रहना है आपको, चैतन्य रहना है आपको। अंत में एक बार परमपिता परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक मधुरता से पुकारेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। इस एनर्जीज को अपने मुखमंडल पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे अनुभव करें। कोमलता से आंखें खोलें। आप अपने आप को चिंता मुक्त महसूस करते हैं। आपका मन शांत हो जाता है। मन की लघु लहरियां समाप्त हो जाती हैं आपकी। आप अंदर एक अपने सकारात्मकता को महसूस करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल वर्मा जी का, जिन्होंने इतनी सरलता से हमें मेडिटेशन की टेक्निक, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करवाया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन हैं, रिसर्च के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा। जैसे जैसे आप इन टेक्निक की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज को फील करेंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, सुबह ठीक टाइम पे उठें। हमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह आजकल काम पे जाने की कोई डेडलाइन नहीं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। तो एक रेगुलर रूटीन फॉलो करें, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग अगर पॉसिबल है तो छत पे, नहीं तो बालकनी में फ्रेश एयर का अनुभव करें। आजकल पक्षियों की, बर्ड्स की जो चर्पिंग है, उनकी चहचहाहट है, उसका आनंद लें। छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ के प्लेजर्स को ढूंढें। कोई हॉबी, जो वो चीज़ जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो रीडिंग हो सकती है, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग। जैसे पर्सनली मेरी हॉबी है फोटोग्राफी, गार्डनिंग, तो उसके अंदर अपना टाइम स्पेंड करें। नो डाउट लॉकडाउन के कारण और कोरोना पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं हर फील्ड में। हर जगह नेगेटिविटी का माहौल है, हर जगह जहाँ देखें नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। बट हमें नेगेटिविटी के बीच
पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिविटी को ही बढ़ाना है। कोशिश करें कि टीवी को, न्यूज़ को स्पेशली थोड़ा अब कम देखें। रोज़ न्यूज़ लगाते हैं तो एक ही न्यूज़ कि आज इतने पॉजिटिव केसेस और बढ़ गए इंडिया में, वर्ल्ड वाइड इतनी डेथ्स और हो गई हैं। कोशिश करें कि शाम को एक बार न्यूज़ लगा ली, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देख लिए, स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करें, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जहाँ तक हो सके रिड्यूस करें, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी अपने आप को रिड्यूस करें, घर पे टाइम अधिक दें, हॉबीज़ के अंदर टाइम अधिक दें। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इनमें से एक को छोड़ के सबको अनइंस्टॉल कर दें। एटलीस्ट लॉकडाउन के दिनों में कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है। पर्सनली मैंने भी ट्राई किया, मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर डिलीटिंग माई व्हाट्सएप। आप भी ट्राई करें, इट्स ईजी। अंत में मैं यही कहूँगा कि एक बुरा वक्त चल रहा है, नेगेटिविटी का वक्त है, पर हो सकता है कि इस बुरे वक्त में भी कुछ अच्छाई हो। वो अच्छाई क्या थी वो वक्त ही बताएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।